ये छोटा सा डिवाइस आपकी YouTube की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कैसे बताता हूँ कि YouTube के लिए आप कैमरा तो बहुत बढ़िया परचेस कर लेते हैं, अच्छे अच्छे DSLR परचेस कर लेते हैं, आईफोन तक परचेस कर लेते हैं, और जिन लोगों के पास बजट नहीं होता वो अपने मोबाइल से ही शूट करना स्टार्ट करते हैं। बट एक जो प्रॉब्लम हमेशा YouTube में रहती है वो रहती है साउंड की, एक अच्छी क्वालिटी वाली साउंड। अब आईफोन में जो है ऑडियो बहुत अच्छी आती है आईफोन के कैमरा से, वाइड वाले से बहुत अच्छी आती है, जो टेलीफोटो लेंस है उसमें भी काफी अच्छी ऑडियो आती है। अभी मैं आईफोन के कैमरे के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे ही मैं दूर जाना स्टार्ट करूंगा या फिर मैं अपनी डायरेक्शन को ऐसे करूंगा तो ऑडियो आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक वायरलेस ट्रांसमीटर माइक चाहिए या फिर एक शॉटगन डायरेक्शनल माइक चाहिए होता है। ओमनी डायरेक्शनल जो माइक होता है जो कैमरे के अंदर लगा होता है वो ऐसी साउंड्स को कैप्चर नहीं कर सकता। ऐसे में ये ओलांजी का J12 वायरलेस माइक बड़े काम की चीज़ है, आपको अमेजोन के ऊपर भी आराम से मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस पॉइंट है अगर मैं आपको बताऊँ तो वो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जनरली रोड का जो माइक है दो वायरलेस रिसीवर के साथ आता है वो ऑलमोस्ट 35 के आसपास का पड़ता है, 35,000 के आसपास का पड़ता है या फिर 29,000 का होगा, एग्जैक्टली मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। वहीं पर जो DJI का वायरलेस माइक है वो भी आपको 35,000 के आसपास ही मिलेगा। मोटा मोटी कहने वाली बात ये है कि आपको महंगा खर्चा करना पड़ता है एक बेसिक माइक के लिए, लेकिन मैं आपको ये वाला माइक लगा के दिखाऊंगा कि कैसा काम करता है। सबसे पहले इसकी बिल्ड देख लीजिए, ये एक छोटे से बॉक्स के अंदर आता है, मेरा हाथ का साइज ये है, और इसके अंदर अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये है इसके दो वायरलेस माइक जो कि काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का आते हैं, और इसका रिसीवर है। अब ये जो पूरा बॉक्स है ये प्लास्टिक क्वालिटी का आता है, और नीचे की तरफ यहाँ पर टाइप सी USB चार्जिंग सॉकेट है, और ये एक LED लाइट है जिससे आप देख सकते हैं कि ये केस चार्ज हो रहा है कि नहीं। और ये जो केस है ये एक चार्जिंग बॉक्स है इन तीनों माइक्स के लिए, और इसके अंदर एक बैटरी है 800 mAh की बैटरी, ये इसके अंदर वापस डालते टाइम पे ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है। सेम वही है, यहाँ पर निकालने के बाद आप वापस डालेंगे तो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको अगर आपको इंडिविजुअली चार्ज ही करना है तो यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जिंग मिल जाएगी, और अगर आपको एक लेवलियर माइक भी लगाना है टाइप सी वाला वो लगा सकते। ये एक रिसीवर है, ये सिर्फ आईफोन के लिए है, यहाँ पर देखेंगे तो ये सिर्फ एक आईफोन के लिए रिसीवर है, और इसी का अगर आप टाइप सी लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। और दूसरी अच्छी बात कि इस तरफ भी यहाँ पर लाइटनिंग केबल का पोर्ट दिया गया है, मतलब आप इसको जब कनेक्ट करेंगे आईफोन के साथ तो वहाँ पर अगर आपको चार्ज भी करना है तो इसके ऊपर आप लगा के चार्ज कर सकते हैं। अभी मैं आपको इन दोनों को प्लग करके दिखाता हूँ कि साउंड कैसी आती है और क्या फ़ायदा है। अब ये जो माइक है ये मैंने ऑन कर लिया, यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट स्टार्ट हो गई है और ये ब्लिंक नहीं कर रही, मतलब ये कनेक्टेड है। अगर ये ब्लिंक कर रही होती तो रिसीवर के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब मैं इसको क्लिप करूँगा, यहाँ पर मैंने क्लिप कर लिया है, छोटा फुटप्रिंट है तो दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इसका फ़ायदा ये है कि मैं कितना भी दूर चला जाऊँ 10 मीटर के रेंज के अंदर आपको मेरी आवाज़ आती रहेगी, और चाहे मैं कैसे भी एंगल बात करूँ, ऐसे मुड़ के बात करूँ या फिर पीछे की तरफ डायरेक्शन करके बात करूँ तो भी आवाज़ के अंदर कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। अभी मैं आपको इसका सेटअप दिखाता हूँ, मैं अभी आईफोन से शूट कर रहा हूँ, और अभी तक जो मैंने बात आपको बताई थी वो आईफोन के माइक से रिकॉर्ड हुई थी, और ये जो आवाज़ है ये इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है, तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। अभी मैं दूसरा फोन यूज़ करता हूँ, आपको थोड़ी क्वालिटी डाउन लगेगी लेकिन मैं आपको एक्जैक्टली बता देता हूँ कि आईफोन के साथ ये कनेक्टेड किस तरीके से है। तो अभी देख लीजिए, ये आईफोन का सेटअप है मेरा, और यहाँ पर मैंने देखिए ये रिसीवर को कनेक्ट किया हुआ, यहाँ पर अच्छे से दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा ऐसे देखिए ये परफेक्टली फिट होता है क्योंकि इसमें लाइटनिंग केबल वाला पोर्ट दिया गया है तो बड़े अच्छे से फिट होता है। और ये जो माइक है ये मैं कनेक्ट करता हूँ इसके साथ, ऑटोमेटिक कनेक्ट है, जैसे ही आप निकालेंगे दिखाई नहीं, हाँ ये अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की लाइट जल रही है। कैमरे की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है क्योंकि मेनली मैं आईफोन से शूट करता हूँ। वापस आते हैं अपने आईफोन के ऊपर, और जब मुझे घर में बैठ के रिकॉर्ड करना होता है तो मैं यूज़ करता हूँ MAONO Mono ब्रांड का कंडेंसर माइक्रोफोन, जो कि बढ़िया है मेरे हिसाब से, कम बजट के अंदर आता है। अब इससे पहले मैं एक एक्सट्रीम अकोस्टिक कंपनी की तरफ से माइक आता है वायरलेस वाला, वो यूज़ कर रहा था, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी सबसे पहले कि वो एक सिंगल चैनल वायरलेस माइक था, मतलब इसी साइज़ का था, थोड़ा बड़ा साइज़ था, तो उसमें एक और चीज़ की दिक्कत थी कि उसको चार्ज करने के लिए, को कनेक्ट करने के लिए आपको एक्सटर्नल लाइटनिंग केबल चाहिए होता था, क्योंकि इसमें जो 3.5 mm जैक होता है वो आता था। लेकिन इसके साथ ये दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है, इसमें साउंड का लेवल सेम रहेगा लेकिन नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं एक बार टैप करूंगा तो हल्का सा नॉइस कैंसिलेशन होगा, दो बार टैप करूंगा, सॉरी अगर एक और बार टैप करूंगा तो दो बार ब्लिंक करेगा और उसमें नॉइस कैंसिलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन थर्ड बार टैप करूंगा मैं, तीन बार ब्लिंक करेगा और नॉइस कैंसिलेशन इसके मैक्सिमम लेवल पहुंच जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन आप फोर्थ बार टैप करेंगे तो वापस नॉर्मल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर आपको वॉइस मॉड्यूलेशन मिलता है। और इसके बिल्ड क्वालिटी में देखें तो यहाँ पर एक हल्का सा क्लिप भी है जिससे आप अपनी टी शर्ट के ऊपर क्लिप कर सकते हैं, और फ्रंट में देखें तो यहाँ पर मेटल की मैश आती है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये इसके ऊपर विंड मफ नहीं आता, तो जो हवा चल रही होगी वहाँ पर आपको हवा की आवाज़ आएगी। और दूसरा ये है कि जो इसका रिसीवर एंड है वो काफ़ी लाइट वेट है और निकालते टाइम पे गिर जाता है कई बार,
यहाँ से जब हम फिट करते हैं तो ये जब निकालते हैं तो यहाँ पर अटक के ये ऐसे गिर सकता है। तो ये हल्का सा मतलब डिज़ाइन में ऐसे है कि ये देखिए पूरा एज टू एज चलता है, तो ये एक चीज़ है बस। बाकी वैल्यू फॉर मनी है, ये आपको अमेजोन पे जब मैंने परचेस किया था 7,500 रुपये का था, 7,500 या 799 ऐसे कुछ अमाउंट था, लेकिन आज के टाइम पे सेल के अंदर 5,500 रुपीज में आराम से मिल जाएगा आपको, वर्थ इन्वेस्टमेंट है। और इसका टाइप सी वाला है वो और सस्ता है। बाकी ब्रांड्स भी यहाँ पर आपको वायरलेस माइक दे रही हैं, काफ़ी सेम इसी टाइप का वायरलेस माइक है, लेकिन उसमें जो साउंड की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। और जैसे कि आपको पता है ओलांजी जो ब्रांड है वो कैमरा कैटेगरी के अंदर काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आता है। मेरा जो ट्राइपॉड है वो भी ओलांजी का है, जो क्लैंप है वो भी ओलांजी का है, तो काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लोग। 5,000 के अंदर आपको काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।